तो देखिए, कैंडिडेट मिलने पर जयराम महतो ने 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। फिलहाल जिन 6 सीटों पर जयराम महतो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, उन सीटों पर उनकी जीत कितनी सुनिश्चित होने वाली है, कौन कौन सी मजबूत सीट है जो जयराम महतो की पार्टी के झोली में जाएगी, हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। मदन जी, एक चंपई सोरेन की सीट जो है सरायकेला, फिलहाल अब बीजेपी में चंपई सोरेन चले गए हैं, अब वहाँ से जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, तो ये जो महतो फैक्टर है जिसके बल पर ये पार्टी आगे अब बढ़ने वाली है, और ये कहा जा रहा है कि महतो फैक्टर ही इस पार्टी के साथ है, क्या इस मिथ को तोड़ते हुए सरायकेला में मजबूत दावेदारी देगी पार्टी? देखिए, जयराम महतो से हमारी बातचीत अब से ठीक थोड़ी देर पहले हुई है, तो हमने ये पूछा कि आपकी तैयारी झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्रों की है, तो उन्होंने कहा कि 70 प्लस, यानी कि 70 से अधिक सीटों पर वो अपने उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। तो ऐसे में जरूर है कि कोल्हान हो या फिर संताल हो या फिर पलामू प्रमंडल हो, जो भी झारखंड के चुनावी क्षेत्र हैं 81 विधानसभा क्षेत्र में से, उनमें से 10 या 11 पर ही वो चुनाव अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारेंगे। तो ऐसे में अब ये तय है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो जिस वर्ग के वोटर हो, वहां उस तरह के उम्मीदवार जो है चयन कर अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवार देंगे। तो इसी कड़ी में अब सीधा चंपई सोरेन, जो फिलहाल बीजेपी में शामिल हुए हैं और जो संभावना जताई जा रही है कि वो सरायकेला से ही अपना जो है चुनावी अखाड़ा में वो अपना भाग्य आजमाएंगे, तो फिर वहां पर सबसे पहले उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, प्रेम मार्डी उनके उम्मीदवार होंगे। तो जरूर है कि अब मंथन सामने वाले दोनों दलों को करना होगा, जो बड़े दल हैं, चाहे जेएमएम हो या फिर बीजेपी हो, तो वो मंथन तो करेगी। क्या मुश्किलें हैं यहाँ रंजन जी, ये जो मार्डी, प्रेम मार्डी को उतारा है सरायकेला में जयराम महतो ने, और उधर चंपई सोरेन होंगे, अगर चंपई सोरेन सीट बदलते हैं तो ये बहुत कुछ मुमकिन है कि शायद उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े। तो ऐसे में जो लगातार समीकरणों की हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या समीकरण बैठते हुए दिख रहे हैं? देखिए, एक सवाल, जब से चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ा है तब से ये सवाल उठ रहा था कि चंपई सोरेन के खिलाफ कौन, हालांकि ये सवाल जेएमएम प्रत्याशी को लेकर जो है वो उठता था, लेकिन अब ये जवाब तो मिल गया है कि चंपई सोरेन के खिलाफ कौन, और ये नाम जो है आपको जयराम की पार्टी ने घोषित कर दी है, प्रेम मार्डी का नाम लिया है। और मैं उनके कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें से एक वीडियो में वो चंपई सोरेन पर बहुत आक्रामक थे और कह रहे थे कि उन्होंने जो है क्षेत्र के साथ ठीक नहीं किया, धोखा किया, इस तरह की बातें। तो वो बहुत आक्रामक होकर युवा हैं, वो लगे हुए हैं और पिछले कई दिनों से जो है वो इस चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर हम देखें सरायकेला में, अगर लोकसभा चुनाव में जयराम की पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा, अगर हम उसका आकलन करने जाएं, तो अब सरायकेला में जो है वो जयराम की पार्टी से, जो कि दामोदर हांसदा उस वक्त सिंहभूम से चुनाव लड़ रहे थे जयराम की पार्टी से, हालांकि वो निर्दलीय ही माने गए, तो उस समय उन्हें 29,143 वोट आए थे। मतलब कि सरायकेला में जो है वो उनका प्रदर्शन, जयराम की पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था, और इसीलिए मुझे लगता है कि यहां से जयराम ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और देखिए, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, ये आप मान सकते हैं कि जो जेकेएलएम के जो उम्मीदवार उतर रहे हैं उससे चुनाव परिणाम जो है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कुर्मी वोटर्स का इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। और यहां पर अगर हम देखें तो अगर कुर्मी वोटर्स की हम बात करें तो लगभग 13-14% कुर्मी वोटर हैं, और आम तौर पर जो कुर्मी वोटर्स हैं सरायकेला में वो बीजेपी को वोट करते रहे हैं, और इन्हीं वोटर्स के सहारे बीजेपी हमेशा चंपई सोरेन के साथ एक क्लोज फाइट में दिखती रही थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर कुर्मी वोटों में, जो कि 13-14% है, अगर उसमें जो है वो सेंधमारी हो जाती है प्रेम मार्डी के द्वारा, तब जो है वो बीजेपी को परेशानी होगी, और यहां बीजेपी को परेशानी मतलब चंपई सोरेन को परेशानी होगी। तो अब देखना है कि प्रेम मार्डी जो है वो कितने वोट यहां पर लेकर आ पाते हैं लोकसभा चुनाव में, जबकि आप आमतौर पर जो केंद्रीय मुद्दे हावी रहते हैं उसके बीच में अगर 30,000 वोट
दामोदर हांसदा लेकर आ गए थे, तो ऐसी परिस्थिति में विधानसभा चुनाव में जबकि लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, वहां पर चंपई सोरेन लगातार जो है विधायक बनकर वहां से निकलते रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जेएलकेएम की एंट्री से, प्रेम मार्डी की एंट्री से सरायकेला का चुनाव इंटरेस्टिंग बन गया है। और अब देखना होगा कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं उसमें से कितना बड़ा हिस्सा चंपई सोरेन अपने लिए निकालते हैं, और बीजेपी का जो वोट शेयर था उसमें जो कुर्मी वोटर्स जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो जयराम की पार्टी की ओर थोड़े से झुके हुए दिखे थे, और यही वजह है कि उन्हें लगभग 29-30 हज़ार वोट वहां पर आ गया था, तो उसमें से जो है कितने वोट वापस चंपई सोरेन की तरफ आते हैं, और इसी आधार पर जो है यहाँ के चुनाव का परिणाम तय होगा। तो बहुत दिलचस्प हो गया अब सरायकेला का भी चुनाव। मदन, ये जो सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है, अगर उसको गौर करें तो कोल्हान से भी, कोयलांचल से भी और पलामू प्रमंडल से भी, संथाल से भी, तो इन चारों जगहों से अपने प्रत्याशी को दिया है जयराम महतो की पार्टी ने, जेएलकेएम ने। देखिए, कोल्हान में डुमरी में खुद जयराम महतो है, कोयलांचल से एक सीट, कोल्हान में सरायकेला को आप ले लीजिए, वहां से उनके प्रत्याशी की घोषणा हो गई, पलामू के छतरपुर से प्रत्याशी की घोषणा उन्होंने कर दी है, राजमहल से मोतीलाल सरकार होंगे, तो हर प्रमंडल को छूने की कोशिश की है, यानी कि एक तरह से पहली बार ये होगा विधानसभा चुनाव में ये पार्टी उतर रही है, लेकिन बहुत प्रभावी तरीके से उतर रही है, बहुत प्रभाव दिख रहा है फ्लोर पर। बिल्कुल, देखिए यही हमने कहा कि पहली पार्टी जयराम की पार्टी बन गई जो झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार बीजेपी की तैयारी है कि चुनाव की घोषणा से पहले वे अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर सकती है, लेकिन अब सबसे अगर ज्यादा कहें तो बाजी मार ली है जयराम ने, कि बिना किसी सोच के, बिना किसी भय के अपने नाम के साथ चुनाव मैदान पर उतरने की जो है घोषणा आज कर दी है। तो देखिए, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज नवरात्र, शारदीय नवरात्र की शुरुआत है, तो ऐसे में आज के शुभ दिन को उन्होंने चुना है, तो परिणाम भले ही आगे क्या होगा ये राज्य की जनता पर निर्भर है, किसे पसंद करते हैं, किसे अपना नेता चुनते हैं, लेकिन जरूर है कि जयराम की जो एंट्री की बात थी, जयराम की जो चुनावी घोषणा की बात थी कि आखिर लोकसभा के बाद उनका रुख क्या होगा, आज हमने बातचीत किया है उनसे कि क्या आप किसी के साथ गठबंधन के तहत भी जाने वाले हैं, तो साफ तौर पर जो है उन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और 70+ सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में जयराम देने वाले हैं। चलिए, तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और इन तमाम प्रमंडलों पर नजर डालेंगे कि कितना प्रभाव जयराम की पार्टी यहाँ पर रख रही है, लेकिन मदन ने बात की थी जयराम महतो से फोन पर, वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं किस तरह तैयारी उनकी चुनाव लड़ने की है। क्या है नाम है, क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया है आपने? देखिए, उम्मीदवारों का चयन उनके विगत 2 वर्षों से संगठन के लिए जो एक्टिविटी रही है, जो बढ़ चढ़ कर उन्होंने संगठन को आगे बढ़ाया है, विस्तार किया है, हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया है, उसी आधार पर आज 6 प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी की गई। मैं भी डुमरी विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में अपने संगठन के लिए चुनाव में भागीदारी देने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ये जो पहला आपका नाम आ रहा था गोमिया से भी, तो डुमरी को ही आपने प्राथमिकता दिया, कितना मजबूत है संगठन वहाँ पर और क्या आधार है डुमरी को ही चुनने का? देखिए, डुमरी को चुनने का आधार की लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर हम लोग कहीं प्रभावशाली रहे हैं तो डुमरी में रहे हैं, हालांकि विधानसभा में फाइटिंग होगा इनकार नहीं है, लेकिन लोकसभा में जो परिणाम रहा वो डुमरी में बहुत ही शानदार रहा, और उसी शानदार परिणाम के आधार पर संगठन का ये निर्णय बना कि पार्टी के केंद्र अध्यक्ष को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का पहला चुनाव है, अतः पार्टी का केंद्र अध्यक्ष एक बेहतरीन सीट से चुनाव लड़े। एक टाइगर चले गए, उसी टाइगर के जगह को आपने चुना है, अब जयराम एक नए टाइगर के तौर पर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं उस क्षेत्र में और क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है उस क्षेत्र के विकास में? देखिए, अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पलायन एक समस्या है, दोनों जो प्रखंड, मुख्य रूप से 3 प्रखंड आते हैं, लेकिन जो 2 प्रखंड है नवाडी डुमरी, हमारे प्रवासी भाइयों की संख्या बहुत ज्यादा है, अतः उस क्षेत्र में
रोजगार के लिए वैकल्पिक मार्ग तराशना, व्यवस्था करना, ये महत्वपूर्ण विषय रहेगा उस क्षेत्र में। शिक्षा, स्वास्थ्य, चूंकि स्वास्थ्य की बात करें तो स्थिति बेहतर नहीं है। शिक्षा के लिए बेहतर कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और मुझे आशा है कि जब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों के सहयोग से उस क्षेत्र को एक उन्नत क्षेत्र बनाने का कार्य करेंगे। तो ये अब तो तय हो गया कि जयराम अकेले चुनावी मैदान में होंगे, आपके पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं, किसी के साथ नहीं, पूरे राज्य में आप अकेले उम्मीदवार देंगे, LKM जो है अकेले अपना लड़ाई लड़ेगा। जी जी जी, ठीक है जयराम जी। एक महत्वपूर्ण और सवाल छूटता है कि और कितना दूसरा सूची कब तक जारी हो जाएगा और कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने? बिल्कुल कल शाम तक या परसों सुबह तक दूसरी सूची जारी हो जाएगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? 70+। 70+। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी। धन्यवाद आपका। तो देखिए, अब कल तक जयराम महतो ने दावा किया है कि वो तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे और अब जयराम के आने से झारखंड विधानसभा का चुनाव वाकई काफ़ी दिलचस्प हो गया है। जो आमने सामने दो खेमों की टक्कर नजर आ रही थी, अब तीसरा खेमा, एक तीसरा विकल्प जयराम महतो की पार्टी बन रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रंजन जी, क्या वाकई जितनी भी सीटें हैं, सिर्फ हम कोयलांचल को छोड़ दें, बाकी जितनी सीटें हैं, क्या वो प्रभाव इस पार्टी का दिख रहा है कि यहाँ पर